अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा के शपथ ग्रहण समारोह प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे बीच में आए प्रदेश सभा राजस्थान के श्री संजय अर्सवाल जी, इसी समाज के भामाशाह समाज सेवी श्री भंवर नरसिंह जी, पूनम कुलारिया जी और इस समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री भागचंद जांगिड जी, महामंत्री कन्हैयालाल जांगिड जी, कोषाध्यक्ष कमल जांगिड जी, मंच पर विराजे अति विशिष्टगण, इस समाज के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी के अनुयायी भगवान विश्वकर्मा के जी के बताए गए मार्ग जीवन दर्शन पर चढ़ने वाला यह समाज आज भी इस समाज पर भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है और इसीलिए इतने वर्षों बाद भी ये समाज आज भी शिल्पकार है। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के निर्माता थे लेकिन वर्तमान के अंदर भगवान विश्वकर्मा ने जिस सृष्टि को बनाया उसके कला और शिल्प के रूप में आपका भी योगदान इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसा समाज जो कठिन परिश्रमी है, जिनमें काम करने का समर्पण है, जिनके हाथों में अद्भुत कला है और उसके साथ साथ आध्यात्मिक और धर्म को मानने वाला, नैतिकता और सत्य पर चलने वाला समाज, आज अपने कामों के कारण, अपनी कार्य कुशलता के कारण, अपनी सामाजिक सेवाओं के कारण, अपने संस्कारों के कारण इस समाज ने एक विशिष्ट स्थान बनाया है। समाज का हमारा पुश्तैनी काम, हमारा प्राचीनतम काम अपनी कला से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने ज्ञान से, अपने रचनात्मक कला से आपने एक विशिष्ट स्थान इस कला के क्षेत्र में बनाया है। कोई समय था जब
एकमात्र वर्चस्व आपका हुआ करता था, चाहे गांव में ले लो चाहे शहर में ले लो। समाज के जितने भी उपयोगी सामान थे उनकी आपकी कला में, आपकी दिमाग में इतनी बौद्धिक क्षमता थी कि कोई भी लकड़ी को आप इतनी बेहतरीन तरीके से कला करते थे कि वह घर में सबसे सुसज्जित होता ही था। लेकिन आपने भगवान से लेकर दुनिया के अंदर जितना भी एक बेहतरीन कला और संस्कृति को डेवलप करने का काम किया आपने किया, और इसीलिए भारत का नाम आज भी पता है कि कई मंदिर अगम प्राचीनतम मंदिर में जाते हैं और प्राचीनतम मंदिर की उनकी कलाओं को देखते हैं, उसकी रचनात्मक शैली को देखते हैं, उसको बनाने में कहीं ना कहीं आपके समाज के उन लोगों का पसीना था, मेहनत थी। मैं कई बार प्राचीनतम मंदिरों में गया तो मैंने वहां लकड़ी के जो कामों को देखा तो लगता था एक अद्भुत कला है आपके हाथों में, एक ऐसी कला जिसका आज वर्तमान में नहीं मिलती है। साधन निवा करते थे, संसाधन निवा करते थे, नए टेक्नोलॉजी की मशीनें निवा करती थी, लेकिन आपने हाथ से अपनी कला से अपनी दिमाग से जो डिजाइन तैयार की, आज हमें गर्व होता है हमारी प्राचीनतम कला संस्कृति पर, तो आपके कारण होता है। आज देश अगर गौरव करता है विश्व के अंदर कहीं भी जाकर तो उस गौरव करता आपकी कला संस्कृति के कारण। अभी मैं कुछ दिन पहले कंबोडिया गया था और कंबोडिया में जो अंकोर वाट का जो मंदिर था, जो सबसे प्राचीनतम मंदिर है, उस प्राचीनतम मंदिर के अंदर जो लकड़ी की डिजाइने थी वहां की कलाकृति थी, वह भी भारत के जहांगीर समाज सुथार समाज के व्यक्तियों के निर्माण की थी। अभी इंडोनेशिया गया तो इंडोनेशिया में मैंने देखा कि किस तरीके से वहां जो फर्नीचर का नया मार्केट डेवलप हुआ, जो डिजाइन डेवलप हुई है, उसमें भी भारत मूल के जहांगीर समाज के सुतार समाज के लोग हैं। भंवर जी यहां बैठे, हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है और उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भी वहां लकड़ी का बेहतरीन काम कर रहे हैं तो इनके छोटे भाई नरसिंह जी कर रहे हैं, इनकी कंपनी काम कर रही है, जो वर्षों तक याद रहेगा कि भारत की संसद में किसके निर्माण का हाथ था। तो हमें हमारी पुस्तैनी प्राचीनतम कला संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमारी विरासत को हमेशा जीवंत रखना चाहिए। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है। मुझे खुशी है कि समाज के नौजवान बौद्धिक क्षमता, कार्यकुशलता, कड़ी मेहनत, परिश्रम के कारण उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में नई उपलब्धि प्राप्त की है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि पारिवारिक रूप से भी संस्कृति मेहनत की थी, परिवार में भी लोग मेहनत, कठिन परिश्रम से दो टाइम की रोटी का इंतजाम करते थे, तो आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरीके के संस्कार मिले। इसी तरीके से कड़ी मेहनत करने के मार्गदर्शन मिला और उसी संस्कृति और संस्कार के कारण आज मुझे खुशी है
कि इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उन सब बालक बालिकाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण विशिष्ट काम किया उनका भी सम्मान किया जाएगा। मैं नए पदाधिकारियों को आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी प्राचीनतम पुरातत्व हमारी विरासत की दी हुई कला संस्कृति रचनात्मक कार्य में हम नया क्या परिवर्तन करना कर सकते हैं। आधुनिकता भी होना चाहिए और हमारी विरासत पुरातत्व संस्कृति भी होना चाहिए। हम इन दोनों को मिलकर जो कुछ भी हमारा समाज में हमारे पूर्वजों का योगदान रहा, जिसके कारण जो यश हमें मिला है, जो सम्मान मिला है, वह हमारे प्राचीनतम हमारी उस पुस्तैनी पैतृक जिनके संस्कार संस्कृति ने समाज में अच्छा काम किया उसके कारण सम्मान हमें मिला है। इस सम्मान को आगे बढ़ाते हुए समाज की संस्कृति और संस्कार को आगे ले जाकर किस तरीके से ये कार्यकारिणी एक ऐसी रचना कर सकती है, ऐसे निर्माण कार्य कर सकती है जिससे कि हम हमारी अतीत को गौरवान्वित करते हुए हम अपनी वर्तमान व्यवस्था में और उसके गौरव सम्मान को बढ़ाएं, ये जिम्मेदारी इस कार्यकारिणी की है। इसलिए मैं पदाधिकारियों को आग्रह करता हूं कि वह अपनी संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दिलाने का काम करें। कोटा एक एजुकेशन सिटी है, भारत के कई राज्यों के विद्यार्थी यहां पर कोचिंग करने आते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने आते हैं। समाज ने भी छात्रावास का निर्माण कराया है, भंवर जी यहां बैठे हैं, कुलरिया जी उनका भी योगदान होगा यहां पर, ताकि हम यहां के छात्रावास को और अच्छा निर्माण कर सकें, ताकि देश में पढ़ने वाला हमारा जो भी विद्यार्थी है वह इस छात्रावास में रहेगा तो उनको अपनी संस्कृति संस्कार मिलेंगे और यहां की अच्छी शिक्षा मिलेगी, ताकि हम हमारे बेहतरीन भविष्य को तैयार कर पाएंगे। मुझे पता है कि कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद भी समाज बहुत आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, लेकिन इस सम्मान के साथ साथ इस समाज का स्वाभिमान है और इसी स्वाभिमान के कारण हम भगवान विश्वकर्मा जी की संतान हैं। इस कारण गौरव स्वाभिमान बनाते हुए इस समाज को मैं आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपका बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला है। 2003 से मैं जब चुनाव लड़ रहा हूं एमएलए और सांसद के रूप में भी इस समाज का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलता है। आज भी मुझे आशीर्वाद मिलता है, आपकी ताकत है, आपका स्नेह, आपकी इसी ताकत इसी स्नेह इसी ऊर्जा के कारण मेरी कोशिश रहती है कि आपके विश्वास को कायम रखूं, आपके सम्मान को कायम रखूं। मेरे हमेशा आपके समाज के लिए सेवा के लिए तैयार हूं। मेरे लायक जब भी कोई सेवा हो, एक आपका सेवक कोटा से लेकर दिल्ली तक आपकी सेवा करने को तैयार है। आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद इसी तरीके मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ करेंगे, हो जाए तो हाँ करेंगे करेंगे।